फिर आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट सर्वाइवल नहीं खेलने वाले हैं हम लोग, क्रिएटिव खेलने वाले हैं। अब आप सोच रहे होगे क्रिएटिव का है भाई, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग सर्वाइवल भी खेलेंगे पर बाद में खेलेंगे। अभी हम लोग माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर करेंगे क्रिएटिव में, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें और मेरा न्यू माइनक्राफ्ट है और मैंने आज ही डाउनलोड किया है, तो फिर मुझे थोड़ी चीज़ें तो एक्सप्लोर करनी पड़ेगी वरना आइडिया कैसे लगेगा। तो फिर हम लोग का माइनक्राफ्ट लोड हो चुका है और ये मेरी स्किन लोड होने में बहुत टाइम लगा रही है। खैर अभी हम लोग मिलते हैं सीधे वर्ल्ड में, तो फिर थोड़ी देर के लिए टाटा बाय बाय, बस थोड़ी सी देर के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं मेरे बनाए हुए वर्ल्ड में और इधर आते ही हम लोग को एक ट्रेडर मिल चुका है, ट्रेडर मिल चुका और लामा का ही लेकर घूम रहे। हाँ 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 और मैंने ये एमरल्ड का ब्लॉक रखा था, ये माला माल हो जाएगा, इसे तोड़ दो पता नहीं क्या। और हम लोग आए हैं एक ब्यूटीफुल सी वैली में जो कि ज़्यादा देर तक तो रही नहीं, क्योंकि यहाँ आ चुका है एक स्वैम्प बायोम और स्वैम्प बायोम के पास हम लोग को ऑलरेडी एक विच भी दिख चुकी है, तो देखते हैं। और हमारे पास तीन या ये एक पिग है और ये इस वाले न्यू अपडेट में आया हुआ मॉब फ्रॉग। सो ये है फ्रॉग, आपके क्या हाल चाल है जी? हमारे अच्छे हाल चाल है, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। खैर इस स्विच का घर कहाँ है? अच्छा वो है। तो फिर क्या है विच के घर में? तो फिर वो तो नॉर्मल ही है, एक पानी की को स्टोर करने वाला कॉल्ड्रोन और एक क्राफ्टिंग टेबल, यही तो होता है नॉर्मली। खैर अभी हम लोग चलते हैं इस स्वैम्प बायोम की और कहीं और। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी लोड हो रही हैं और हम लोग ये बीच वाले इसमें हम लोग पार्कोर कर सकते हैं। कैसा लगेगा ये? खैर हमारे पास ये और स्वैम्प बायोम छोटी सी थी, बहुत ज़्यादा छोटी सी थी मतलब, और इधर से साफ पानी शुरू हो गया, उधर गंदा पानी है, इधर साफ पानी है ऑब्वियसली। तो फिर स्वैम बायोम हम लोग की ख़त्म हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं एक आइलैंड तो नहीं बोलेंगे लैंड एक पर जो कि आइलैंड टाइप है, और इधर हम लोग को एक टॉर्टोइस भी मिल चुका है। और ये ब्लॉक्स का है इधर, पता नहीं क्यों। खैर ये मतलब एक सैंड टाइप एरिया है, सैंड टाइप बीच है ये। तो फिर अब यहाँ के एरिया को जब हम लोगों ने लगभग अच्छी तरीके से एक्सप्लोर तो कर ही लिया है, तो फिर अब हम लोग इस एरिया पे ऊपर चलते हैं। तो फिर ये भी वो जगह है, इसके भी ऊपर वाली वो जगह है जहाँ मैं स्पॉन हुआ था, वो वाली। तो फिर ये तो हम लोगों ने देख लिया है, अब इसके इस तरफ चलते हैं। और ये है एक पहाड़ टाइप और इधर हमें एक कटा हुआ पेड़ नज़र आ रहा है। और फिर लोड होने में बहुत टाइम लगता है। और इधर वैली है एक और ये स्टोन से बना हुआ है। तो फिर इस अपडेट में काफ़ी सारी नई चीज़ें आई हैं, पर उसके लिए हमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और
ये खैर अभी तो वैली ही चल रही है। वापस से स्वैम्प आ गया। घूम फिर के इधर ही आ रहा हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ मैं। तो ये पूरा एरियाज है, पूरा का पूरा। वैसे सच में काफी बड़ा है। और इधर किसी का अजीब सा से ब्लॉक है, जो चोटी है, चोटी टाइप कह सकते हैं। और ये है, और ये है एक पता नहीं, इसको देख के लग रहा है इधर कुछ पानी टाइप है। और ओह माय गॉड, पहली बार ऐसा नज़ारा मैंने देखा है रियली। सारे ब्लॉक हो रहे, अब लोड हुआ है तो फिर इधर अंधेरा बहुत है। पहले तो फुल व्यू करो यार, फुल व्यू में जल्दी जल्दी। तो इसमें हम लोग डूब रहे थे, जो मैं कह रहा था इधर कोई पानी टाइप कौन सा एरिया है, जो भी एरिया है, कहाँ का एरिया है मुझे नहीं पता, कौन सा एरिया है, एरिया 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 है, क्या एरिया है। और इधर इस गुफा से नीचे रहने जाने के लिए प्लेटफॉर्म है, है। और इधर हमें अंडरग्राउंड दिख रहा है, और ये सनसेट भी अच्छा है, है, है। बरेल का और भी है। तो इस एरिया के अभी हम लोग बाहर तो नहीं जाने वाले, ये आप लोग देख सकते हैं अभी अच्छे से लोड तो नहीं हो रहा है। और एक माइनक्राफ्ट को सारी बायोम्स को एक्सप्लोर करने को काफी टाइम लगेगा, तो फिर इस एपिसोड की तो थीम था, मतलब इस एपिसोड का तो एंड यही होता है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में, एक्सप्लोरिंग द माइनक्राफ्ट के एपिसोड, अगले एपिसोड 2 में। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ये वीडियो कैसी लगी। सो